ये गाड़ी सेवरलेट की स्पार्क है और इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी कूलेंट बाटल से कूलेंट जो है कंटिन्यू नीचे गिरने लग रहा था। और हमने इसका जैसे ही रेडिएटर वगैरह चेक किया तो रेडिएटर का फ़ैन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। तो हमने इसका जो थर्मोस्टेट का जो वॉल रहता है उसको चेक किया, तो थर्मोस्टेट का जो वॉल है वो आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से ख़राब निकला है। अगर थर्मोस्टेट का वॉल ख़राब निकलेगा तो इंजन में जो कूलेंट सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ओवर हीट होगी। और हम दिखा रहे हैं वॉल इस पोर्शन पे लगता है किस तरीके से, अगर ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो इंजन में जो है कूलेंट की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ओवरहीट करेगी। और ओवरहीट करने के बाद या तो कूलेंट के पाइप फटेंगे या तो साइड बॉटल से लीक होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ